एसीपी कर्नलगंज त्रिपुरारी पांडे ने बताया कि ग्वालटोली पुलिस कोरोना महामारी काल में लॉकडाउन का पालन करा रही थी, तभी ग्वालटोली चौराहे के पास एसयूवी कार को रोका गया तो उसमें सवार यशोदा नगर निवासी ज्ञानेश शर्मा थे। पुलिस को देखते ही दोनों भागने लगे, जिनको रोकने के लिए पुलिस घेराबंदी कर दोनों को गिरफ्तार कर तलाशी ली तो तलाशी के दौरान दोनों के पास से 68 M4X इंजेक्शन और 1,80,000 रुपए की नकदी भी मिली है। एसपी के मुताबिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वाराणसी के डॉक्टर को 2,25,000 रुपए में कुछ इंजेक्शन बेचे थे। पुलिस ने जब उस डॉक्टर व वाराणसी पुलिस से संपर्क किया तो पता चला कि इंजेक्शन नकली थे। एसपी ने दावा किया है कि आरोपियों ने कबूला कि इंजेक्शन नकली हैं, जिन्हें वे प्रयागराज से खरीदते हैं, अलग अलग शहरों में कई गुने दाम पर बेचते हैं। ग्वालटोली थाने में आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ की और मोबाइल से काफी जानकारी निकाली तो पता चला कि आरोपी प्रयागराज के कई मेडिकल स्टोर संचालकों के संपर्क में है, उनके ही जरिए इंजेक्शन की खेप लाकर तस्करी करते थे। आरोपियों ने बताया कि वे खुद ही माल लेकर कानपुर आते थे, कभी कभी ट्रक के जरिए भेजते थे। आशंका है कि काफी दिनों से आरोपी इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे थे। स्वाट और सर्विलांस टीम को भी लगाया जा रहा है, जो पता करेगी कि नेटवर्क कहां तक फैला है, मुख्य आरोपी कौन है और ये इंजेक्शन कहां बनाए जा रहे हैं। पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने बताया कि जांच में पता चला कि इंजेक्शन नकली है, इसकी पुष्टि के लिए ड्रग विभाग ने नमूने लिए हैं। पूरे गिरोह के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। इस मामले में भी आरोपियों पर NSA की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इस कृत्य से तमाम लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी। वहीं पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने टीम को 10,000 रुपए का इनाम दिया। थाना ग्वालटोली की पुलिस टीम ने आज 2 युवकों को पकड़ा है। इनके पास से ब्लैक फंगस बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली M4X ब्रांड के 68 नकली इंजेक्शन की एक खेप बरामद हुई है। 11,000 रुपए में यह इस इंजेक्शन को शहर में घूम घूम कर बेचते हैं। 1,80,000 रुपए भी बरामद हुए हैं और एक ब्लैक कलर की गाड़ी, जिस पर हाईकोर्ट लिखा है, जांच प्रचलित है, भी पकड़ी गई है। पूछताछ में प्रयागराज के कुछ मेडिकल स्टोर्स के नाम आए हैं, जहां पर पुलिस की छापेमारी अभी की जा रही है। इनके पास 5 मोबाइल फ़ोन भी हैं जिनकी छानबीन की जा रही है। कमिश्नर महोदय ने इस सराहनीय काम के लिए टीम को 10,000 रुपए का पुरस्कार दिया है। कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। रासुका तक की कार्रवाई इसमें की जाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।